हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन स्पीड खेल्स। दोस्तों, हम एक्सीडेंट से बचने के लिए काफ़ी सेफ्टी और स्पीड का ख्याल रखते हैं, बट कभी कभी टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली में हुए ऋषिकेश देवभूमि उत्तराखंड में बस के पलटने की न्यूज़ भी आपने सुनी ही होगी। अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आइए आप सबसे पहले इस भयानक एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज को देख लीजिए। जैसा कि आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि यूपी 54 की एक बस अनकंट्रोल होकर एक पुलिस बूट पर जाकर अनकंट्रोल हो जाती है। ये एक्सीडेंट 28 ऑफ जुलाई को शाम के करीब 5 बजे शिवपुरी मोटरवे नरेंद्र नगर में हुआ। रिपोर्टिंग में बताया जा रहा है कि ये बस हरिद्वार से नीलकंठ महादेव ऋषिकेश जा रही थी और इस बस में टोटल 77 लोग थे, जिसमें से 67 पैसेंजर्स इंजर्ड हो जाते हैं और वन लेडी पैसेंजर की भी डेथ हो जाती है। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को पता चलता है कि हरिद्वार से ऋषिकेश नीलकंठ जाने वाली ये बस का अचानक से ब्रेक फेल हो जाता है, जिसके बाद बस अनकंट्रोल होती हुई पुलिस बैरियर्स को उड़ाते हुए बूथ पर जाकर गिर जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूज़ आर्टिकल्स, बस में कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा भी लोग मौजूद थे, जिसमें इस एक्सीडेंट के होने का कहीं ना कहीं स्पेसिफिक रीज़न है। गाइज, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी में से काफ़ी सारे लोग चैनल पर वीडियोज़ को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मेरे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। इसलिए मेरी बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट है कि आप बस में जरूरत से ज्यादा लोगों को ना बैठाएं, क्योंकि एक्सीडेंट होने पर बहुत सारे लोगों की जान को खतरा हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी कार एक्सीडेंट से रिलेटेड फोटोज या वीडियोस है तो आप हमें ईमेल के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, नमस्ते एंड जय हिंद।